नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज बंसल, दंत विभाग का उपाध्यक्ष अकॉर्ड हॉस्पिटल के अंदर। आज हम बात करेंगे मुंह की बीमारियों और शरीर की बीमारियों का संबंध और किस तरह हम अपने मुंह की सेहत को सही रख सकते हैं। मुंह और शरीर एक ही चीज है, एक ही मुंह ही हमारे शरीर का द्वार है। तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के अंदर जो परेशानियां होती हैं, उन सब का रिश्ता मुंह की सेहत से है। खास तौर पर पायरिया अथवा कैलकुलस की डिपोजिशन की वजह से वो लगातार एक इन्फेक्शन का सोर्स है। अगर हम उसे साफ नहीं रखते हैं तो देखा गया है, शोध के अंदर पाया गया है कि शुगर का लेवल बढ़ता है। ऐसे मरीजों के अंदर हृदय संबंधित बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जैसे ही वह इलाज पूरा होता है, इन सब की संभावनाएं पहले से घट जाती हैं। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों के साथ मुंह की बीमारियों का संबंध पाया गया है। हमें चाहिए कि कम से कम हम चार चीजों का ख्याल रखें मुंह की सेहत के लिए। एक, सुबह और शाम को ब्रश करना, सिर्फ 2 से 2.5 मिनट, ज्यादा जोर देकर ब्रश नहीं करना, पर सही तरीके से ब्रश करना। फाइबरस फूड जिस तरह के सैलेड वगैरह, इसके ऊपर ध्यान देना। बार बार मुंह को झूठा ना करना है, बार बार कुछ चीजों को खाते ना रहना, खासतौर पर मीठी और चिपचिपी चीजें। 3 से 6 महीने के अंदर एक बार अपने दंत चिकित्सक से रेगुलर चेकअप कराना और बीमारी का उस हद तक बढ़ने का इंतजार ना करना कि जब जाकर दर्द असहनीय हो जाए। अगर हम इन सबको एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि ना केवल मुंह बल्कि शरीर की बीमारियों से भी हम काफी हद तक निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।